अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि ब्लू वर्ड सिटी को एनओसी कब मिलेगा, ब्लू वर्ड सिटी का एनओसी का क्या स्टेटस है। उसके ऊपर एक मैं आज एक कम्प्लीटली ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ आएगी कि एनओसी ना मिलने की क्या वजूहत होती है और एनओसी का राइट नाउ स्टेटस क्या है और क्या चक्कर है। मेरा नाम इस्माइल है, मैं प्रॉपर्टी नामा से हूँ और पाकिस्तान के अंदर लीडिंग रियल स्टेट फर्म्स को प्रॉपर्टी नामा को लीड कर रहा हूँ और हज़ारों में अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं जिसमें एक ब्लू वुड सिटी भी है। ब्लू वुड सिटी इस इलाके के अंदर पिंड इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट है। एनओसी के हवाले से बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी एनओसी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। देखें जी, राइट नाउ जो स्टेटस है, अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो आरडीए ने किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को एनओसी जारी नहीं किया। सवाल ये, क्या वो सब गलत थे, क्या वो सब फ्रॉड था, क्या वो सब दो नंबर है? ऐसा नहीं है। कुछ गवर्नमेंट के जो लिटिगेशंस हैं वो, अगर आप छोटा सा एक घर बनाने के लिए एनओसी लेने जाएं तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि गवर्नमेंट के एनओसी के प्रोसेसेस क्या हैं और उस पर कितना टाइम लगता है। और जब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों जो हज़ारों कनाल के ऊपर, तो उसको डेफिनेटली बहुत टाइम लगता है। लास्ट 2-3 साल के अंदर जो मेरी मुझे एक इलम है कि लास्ट 2-3 साल के अंदर जो एनओसी मिला, एक कैपिटल स्मार्ट सिटी को ही सिर्फ एनओसी मिला जिसमें से 7500 कनाल का उनको एनओसी मिला लास्ट 2-3 साल के अंदर, दिसंबर 2019 में जाके मिला। स्मार्ट सिटी की मिसाल हम लें, 2016 के अंदर एक प्रोजेक्ट फरोख्त होना शुरू हुआ, 17-18 इसी तरह लग गया, 19 में जाके एनओसी मिला। अब बात आती है उन प्रोजेक्ट्स की जिनको एनओसी नहीं मिला, उसकी क्या वजूहत है। गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी की एक पॉलिसी ये भी है, एक शेक ये भी है कि हम 70 दिन के अंदर एनओसी देंगे तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ जो बोला जाता है वो होता नहीं है, चाहे जिस मर्ज़ी उसमें आप कर रहे हैं, चाहे पीएम पोर्टल के ऊपर आप कंप्लेन दें, आपका उसमें रिस्पांस आप देख लें, चाहे अगर आपके साथ प्रॉपर्टी में कहीं फ्रॉड हुआ है उसको आप फाइल करके अपना केस देख लें, चाहे आपका कोई भी मसला हो। तो अभी हमारी जो रिट है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की रिट है, वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए और चीज़ों को स्मूथली लेके जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस होनी चाहिए, या रिट होनी चाहिए इतनी मजबूत के इल्लीगल है उसे फारग कर दे, ख़त्म कर दे, सब जाके उखाड़ पिछाड़ कर दे, और या उनको एनओसी दे दे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी, उसकी एक मिसाल मैं दूंगा। लास्ट जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, हकाना बशीर साहब थे, उस टाइम पार्क यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है उसका एनओसी नहीं आया था, लेकिन राइट नाउ पीटीआई के गवर्नमेंट में उसका एनओसी आ गया। अब पीटीआई के गवर्नमेंट में एनओसी आ गया, हो सकता है उनकी पहले भी लिटिगेशंस वगैरह सारी पूरी थी, रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, लेकिन जब हुकूमत की मुखालिफ पार्टी थी तो वो एनओसी नहीं मिला। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एनओसी लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है कि आप किस पार्टी से हैं, आपका मार्केट के अंदर लेवल क्या है, आप कितने ताकतवर हैं, ये भी एक पैदा होता है। अगर आप ताकतवर की मिसाल लें, बैरियर टाउन की मोस्ट ऑफ द फेजेस इल्लीगल है बिल्कुल, आरडीए के कागजात में इल्लीगल है। राइट नाउ जो आरडीए ने 2 महीने पहले एक 400 सोसाइटियों इल्लीगल का नोटिस जारी किया, उसमें बैरियर टाउन का भी नाम आ रहा है, लेकिन आपने कभी भी बैरियर टाउन का नाम अखबार में नहीं सुना होगा कि आरडीए जाके ऑपरेशन करने लगा। उससे आपको भी समझ आ गई होगी कि उसके पीछे वजह क्या है और रेट क्या है। दूसरा, ये तो हो गया गवर्नमेंट की साइड से या इदारों की साइड से थोड़ा सा जो तावन का ना करना, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ से भी बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं जिसको पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर हमारा जो लैंड एक्विजिशन का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, वो भी बड़ा डिफरेंट है। ये आप पूरी कहानी समझेंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि एनओसी कैसे मिलता है। यहाँ पे होता ये कि मिसाल के तौर पे आपके पास
ये पूरी एक पीस लैंड है, ये आप देख रहे हैं, ये मिसाल के आपके पास एक ये लैंड है पूरा एक पीस का, उसमें से एक दरमियान में आपका 10,000 कनाल का लैंड आपके पास हाउसिंग प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं, उसमें से 300 कनाल जो है वो आपको कोई नहीं दे रहा, तो फिर क्या होगा कि आप तब तक एनओसी नहीं ले सकते जब तक आप सारी अपनी पॉकेट्स को क्लियर ना कर लें, सारी अपनी पॉकेट्स को ख़रीद ना लें। तो जब तक आप अपनी सारी पॉकेट्स को नहीं ख़रीद लेंगे तब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगा। तो एक तो ये भी वजह है, दूसरी वजह यह है वो भी आपको बता देता हूँ कि एनओसी का कानून ये है, गवर्नमेंट कहती है, डेवलपर अथॉरिटी से कहती है कि आपके पास जितनी ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर नक्शा बनाएं और नक्शे के मुताबिक प्लॉट दें, नक्शे के मुताबिक, फाइल्स नहीं, बैलेटिंग शैलेटिंग का चक्कर कानूनी तौर के ऊपर, और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के नज़र में ये उनको भी ये फ्रॉड ही लगता है। लेकिन होता ही क्या है कि जब आप हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो आपकी जो लैंड एक्विजिशन है वो आपको पता ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि मुझे कितना रिस्पॉन्स आएगा, तो आप थोड़ी सी लैंड को शुरू करते हैं फिर मज़ीद उसमें लैंड को परचेज करते रहते हैं और अपना प्रोजेक्ट बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और भी मसला ये है कि लोगों की बंजर ज़मीनें पड़ी होती हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है यहाँ कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो कहते हैं ये जी ये तो लंदन की ज़मीन है हमारी, ये तो दुबई की ज़मीन है, अगर उसका रेट होगा 10 लाख रुपये कनाल वो कहेंगे 25 लाख रुपये कनाल दें। तो इस तरह डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एनओसी के हवाले से जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इसके अलावा एनओसी में गवर्नमेंट के साथ जब आप जितना टक्कर लेंगे जितना वो करेंगे तब भी आप या इदारों के साथ थोड़ा सा टक्कर लेने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ तब भी आपको एनओसी मिलना मुश्किल होता है। दूसरा गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जितना भी आपके पास लैंड है आप उसका पूरा रिकॉर्ड जमा कराएं, और रिकॉर्ड वगैरह को करके आप पूरा रिकॉर्ड जमा कराएं, अपनी फाइल्स वगैरह आप जमा कराएं ताकि हम एनओसी आपको दें। लेकिन यहाँ पे बड़ा मसला ये होता है कि मैं समझता हूँ कि जितनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स मिसाल तौर पे ब्लू ओ सिटी जमा करा चुका है उतनी ज़मीन स्पेसिफाई कर दी जाए कि जी ये जनरल ब्लॉक, ये ओवरसीज़ ब्लॉक, ये ब्लॉक इसकी ज़मीन आ चुकी है, इसकी ज़मीन मिल चुकी है, इसके ऊपर एनओसी देते हैं बाकी के ऊपर नहीं देते। तो उससे भी होता है कि मार्केट के अंदर एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है जिससे कैपिटल स्मार्ट सिटी को 7500 कनाल का एनओसी मिला हुआ है और मज़ीद भी वो अपना काफ़ी 10-12-15 हज़ार कनाल का एनओसी उनका सबमिटेड है जो वो भी अप्रूव होकर आने वाला है। तो स्टार्ट से जब आप दूसरा एक और चीज़ गवर्नमेंट के इदारों से अप्रूव्ड होना हर किसी ये मकसद नहीं है, ये मतलब नहीं है कि प्रोजेक्ट सेफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। उसमें मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, अडयाला रोड के ऊपर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता नाम से फिर मसले होते हैं, वो प्रॉपर RDA से अप्रूव्ड है लेकिन आज तक 20 साल के अंदर उसमें एक प्लॉट डिलीवर नहीं हुआ। RDA के कागज़ों में वो अप्रूव्ड है, नक्शा अप्रूव्ड है, बड़ा प्यारा है लेकिन काम नहीं हुआ। RDA या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जिम्मेदारी किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और उसका मालिक भाग जाता है तो उसकी कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं है, आपके पैसे वापस नहीं आ सकते पाकिस्तान में। तो लेकिन NOC का होना ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर राइट नाउ जब ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो हाई मैनेजमेंट है उनका मौका ही है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ब्लू वर्ल्ड सिटी के जमाएँ, जितने जितने हज़ार कनाल हम ज़मीन ख़रीद चुके हैं उसकी प्रॉपर सारी चीज़ें जमाएँ, और लेकिन NOC मिलने में हमें कम से कम 1 साल लग जाएगा क्योंकि जो गवर्नमेंट के साथ बाकी चीज़ें मामलात हैं आपको पता है बहुत सारे मामलात होते हैं, कुछ ऑन टेबल होते हैं कुछ अंडर टेबल होते हैं, तो बहुत सारे मामलात पेंडिंग है जिसकी वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी का NOC राइट नाउ लटका हुआ है। और इसे ब्लू वर्ल्ड सिटी का नहीं बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 50-60-70 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा चुके हैं लेकिन आज तक NOC उनको नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर कहा कुछ और जाता है और होता कुछ और है, ठीक हो गया। जैसे ही किसी चीज़ का एक्शन लिया जाता है उस वो चीज़ और भी बिगड़ जाती है। तो ये एक ओवरऑल यहाँ पे स्टेटस है। दूसरा ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर राइट नाउ हम बात करें उसमें जनरल ब्लॉक की जो डिलीवरी है, जनरल ब्लॉक की जो ज़मीन है, जनरल ब्लॉक का जो पोजेशन आ रहा है और बैलेटिंग होने वाली है, ये इस बात का सबूत है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ज़मीन मौजूद है, ठीक है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये 17 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सैकड़ों कनाल के ऊपर सिर्फ रोडें, हज़ारों कनाल के ऊपर एक जनरल ब्लॉक है जिसका नक्शा
अब आ चुका है लेकिन अब ये पब्लिश नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है, लटकाया जाता है चीज़ों को, लोग भी परेशान होते हैं, बायर भी परेशान होता है। बायर एनओसी वाले प्रोजेक्ट में भी ले के तब एनओसी वाले प्रोजेक्ट में ले तब भी पछताता है, दूसरे इलीगल में ले तब भी पछताता है। यहाँ पे एक अजीब हाल है, एनओसी जब किसी प्रोजेक्ट आ जाता है तो वो उसकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, ओवर प्राइसिंग की तरफ वो चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो है, लेकिन एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट, जो ब्लू एल सीडी को 2017 से मैंने काम शुरू किया, तो एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो ग्रुप ओनर का विजन है दैट इज़ स्ट्रांग, काफ़ी सही है। अगर एक बंदे ने भागना होता है तो वो 2017, 18, 19 में अरबों रुपया इकट्ठा करके भाग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट नाउ अवेलेबल हैं, ज़मीन पे मौजूद हैं, हफ्ते में 4-5 दफा साइट पे आते हैं, हेड ऑफिस मौजूद हैं, ज़मीन की ख़रीदारी उनकी चल रही है, जो ज़मीन की ख़रीदारी चल रही है वो उसका तो मैंने ख़ुद भी जाके लोगों से वो किया कि भाई आपकी ज़मीन वाकई वहाँ पे ली गई है या नहीं ली गई है। लोग खुश भी हैं कि ब्लूवर्ड सिटी यहाँ पे आया है तो उनकी ज़मीनों के रेट भी बेहतर हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव साइड पर जा रही है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा होता है और ये सारी चीज़ें हमेशा प्रोजेक्ट को नेगेटिव तरफ ले जाती है। स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने 2016-17 में इन्वेस्टमेंट की, आज वो प्रॉफिट में, क्योंकि 19 में एनओसी आ गया। तो मैं समझता हूँ कि और एक भी प्रोजेक्ट, हम पूरी रियल स्टेट की सेक्टर के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तमाम के लिए दुआगो रहते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि उनको एनओसी मिले, लेकिन इस तरह ओनर की भी ख्वाहिश होती है। लेकिन जाहिर बात है कुछ चीज़ें वो अपनी मर्ज़ी से कर नहीं सकते, वो जब प्रोसेस कम्प्लीट होना है तो तब, ये ऐसा नहीं है कि ये बस जाता है और एक ठक करके मोहर लग जाती है, ये 15-20 इदारों से जाके एनओसी लेना होता है। तो कुछ इदारों से मिल चुका होता है, कुछ इदारों से मिलना बाकी होता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम अभी वो नहीं कर सकते, एनओसी जी आ रहा है या कल आ रहा है परसों, ऐसा नहीं। इस पे कम से कम एक साल लगेगा, एक साल इस पे कम से कम लग जाएगा, लेकिन ये कि 2017 से 20 तक की जो प्रैक्टिस है वो दिखी है तो वो तो ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आगे भी ठीक जाएगा। जिस तरीके से डेवलपमेंट की जा रही है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, डेवलपमेंट जाके मैंने खुद देखी है। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं कर रहा, लेकिन प्रोजेक्ट के ओवरऑल रियल हालात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास डिफरेंट रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें फाइल्स भी हैं, उसमें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी हैं, डिफरेंट रियल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि कोशिश ये क्या करें कि फाइल में इन्वेस्टमेंट ना क्या करें, वो या तो लॉन्ग टर्म होती है या वो आपकी पेमेंट इन्वेस्टमेंट या फंस जाती है, और दूसरा अच्छे कंसल्टेंट्स को चूज़ करें ताकि वो आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कराएं। बाकी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि रियल स्टेट के हवाले से बेहतरीन किस्म की आपको वीडियोस मिलती रहें और आप हमारे वीडियोस एंजॉय करते रहें और आपको फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर प्रॉपर वीडियो मिलती रहे। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर से मामूली समझ को इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफिज़।